नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। ब्रिटेन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से यह हत्या हुई है। बीजेपी के साथ ही परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जाँच कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या, चाकू से गोद कर की गई रिंकू की हत्या। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। रिंकू के भाई का कहना, राम भक्त था, राम मंदिर निर्माण से जुड़ा और बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था रिंकू, इसीलिए उसकी हत्या हुई। रिंकू की हत्या के बाद बीजेपी हमलावर। हत्या को सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, आम आदमी पार्टी का कहना। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बर्थडे पार्टी के दौरान विवाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रिंकू शर्मा के रूप में की गई है। बता दें कि पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी के दौरान रिंकू और कुछ लड़कों में विवाद हुआ था और उसी विवाद में रिंकू की हत्या कर दी गई। एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें चार लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है। वहीं मृतक रिंकू के परिजनों और पड़ोसियों का कहना है कि ये सब साजिश किया गया है। गैर समुदाय के लोगों ने रिंकू को इसलिए मारा क्योंकि वो एक राम भक्त था। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे, ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा, लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी पांचों की, इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई। और इस हत्या को लेकर तमाम पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक मासूम बच्चे का मर्डर कर दिया, एक माँ की गोद से एक नन्ना बच्चा छीन लिया गया, इससे बड़ा दुखांत क्या हो सकता है। उन्होंने ये किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान के कानून में जो भी सबसे कठिन धारा और सबसे कठिन प्रयोजन है उसके तहत इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अब दिल्ली के मंगोलपुरी में मर्डर की हकीकत क्या है, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई बीजेपी के स्थानीय मंडल उपाध्यक्ष रिंकू शर्मा की हत्या ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। दरअसल पूरे मामले में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता से खास बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से देहाती में रिंकू शर्मा की राम नाम का नारा लगाने पर हत्या कर दी गई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि रिंकू शर्मा का सिर्फ इतना कसूर था कि वो अपने धर्म और आराध्य के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता था और इसी वजह से एक विशेष समुदाय के लोगों ने, जिन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शांति दूत कह कर बुलाते हैं, उन्होंने राम नाम का नारा लगाने पर रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या कर दी। हंसराज हंस जी है सर, जिस तरीके से श्री राम बोलने पे हत्या कर दी गई, क्या मामला है पूरा? मामला तो सबके सामने है जी। इतने लोग आए, एक मासूम बच्चे का मर्डर कर दिया, एक माँ की गोद से एक नन्ना बच्चा छीन लिया गया, इससे बड़ा दुखांत क्या हो सकता है। सर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर ऐसे अटैक हो रहे हैं? मुझे तो सबसे पहले यही लगता है कि माँ की कोख उजड़ी है, माँ का बेटा गया है, तो अभी कानून में कोई भी जो डील करेगा उसको पता है, हम सब का पता है, अभी नहीं इंसाफ मिलेगा तो कब मिलेगा उस बच्चे को। सर अब क्या लगता है कि जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं राम बोलने पे, या अगर मंदिर बन गया तो इस पर क्या लगता है कि आपको? ये बहुत 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 उदास बात है। हर धर्म को दूसरे धर्म का एहतराम करना चाहिए, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
ये हम पढ़ते हैं सुनते हैं, इस पर गौर नहीं करते, प्रचार में कमी है। एक ही जगह जाना है, एक ही जगह से आए हैं, तो कोशिश करो कि लोगों आपस में प्यार रखो, ऐसे ऐसे इतने बुरे कर्म ना करो, इसका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। कि जिस तरीके से इस वक्त हमारे साथ हंसराज हंस जी थे और वहीं पे ये बात करें कि इन्होंने परिजन से मिला और परिजन से कहना है कि जब तक सभी हत्यारों को जो है दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती, पूरी बीजेपी जो भी सत्ते में है वो चैन से नहीं बैठेगी और ऐसे मुजरिम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रिंस जायसवाल, न्यूज ऑन इंडिया, दिल्ली। अध्यक्ष राजेश आदेश गुप्ता जी जो है रिंकू के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, बात करते हैं उनसे। आदेश जी, क्या जानकारी तक आपको मिली? बहुत दुखद घटना हुई है और जिस तरह से रिंकू शर्मा का हत्या हुई है, जो एक कार्यक्रमों में लगे हुए थे और जिनको जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उन पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने तुरंत दोषियों को गिरफ्तार किया है। और सवाल आज इस बात पर भी उठता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां पर एक ऐसी कॉमन नहीं है अंकल, रुको, जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश, फोन आ रहा है अंकल, और इन्होंने खुद उस मर्डर करने वाले के बहन को खून दिया होना, ऐसी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली बहुत दिल्ली बहुत दुखी है। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि बर्थडे पार्टी के दौरान झगड़ा हुआ था कार से, लेकिन वो तो सारी तफ्तीश में पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं हुआ। लेकिन प्रथम दृष्टि में दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई स्टार्ट किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ये मुकदमा सुनवाई करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज सवाल ये भी उठता है कि जो लोग दिल्ली के अंदर देश के अंदर जब अंकित शर्मा जब ध्रुव त्यागी जैसे लोगों की हत्या होती है उस समय बहुत साथ देते हैं, और जब एक संप्रदाय विशेष के लोगों के साथ कुछ होता है तो वहाँ कैंडल लेकर पहुँच जाते हैं, ये सवाल उठते हैं। आदेश गुप्ता का सामने कहना है कि जो भी रिंकू शर्मा के परिवार के साथ हुआ वह बहुत बेहद दुखद है और इसकी निंदा करते हैं, और साथ ही दिल्ली पुलिस के सराहने कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो है तुरंत जो है आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है, और अब वो ये साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए ताकि रिंकू शर्मा को जल्दी से इंसाफ मिल सके। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। अध्यक्ष, राज्यसभा में सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला, सरकार ने किसानों का अपमान किया है। संजय सिंह ने कहा, शहीदों का अपमान कर रही है केंद्र सरकार, किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, किसानों को आंदोलनजीवी कहा जा रहा है। तो राज्यसभा में सांसद संजय सिंह ने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शहीदों का अपमान कर रही है केंद्र सरकार और सरकार ने किसानों का अपमान किया है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, किसानों को आंदोलनजीवी कहा जा रहा है। इस सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया, उन किसानों का जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं, 170 लोगों की शहादत हो चुकी है, उनको आंदोलनजीवी कहकर मजाक उड़ाया गया। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार लेट्स कीप द डेकोरम प्लीज कीप साइलेंस, तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाकुल्ला का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया जिन्होंने हमें संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, ये संसद दी, तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया।
तो देश की संसद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने स्वीडन के वीडीएम इंस्टीट्यूट की साल 2020 की रिपोर्ट पर चर्चा की, जिसमें मोदी सरकार में लोकतंत्र का दर्जा खोने का जिक्र किया गया है। इसको लेकर सुशील गुप्ता पर दिल्ली बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि सुशील गुप्ता ने देश की संसद में देश को नीचा दिखाने का काम किया है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता टीपू सुल्तान ने राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता से खास बात की। देखिए, दिल्ली के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पार्लियामेंट में स्वीडन का मुद्दा क्या उठाया। दिल्ली की जो बीजेपी है उन्होंने अपने सोशल साइट के पोस्ट पर डालते हुए ये कहा कि सुशील गुप्ता ने देश को नीचा दिखाने का काम किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुशील गुप्ता जी के पास, मेरे साथ मौजूद है सुशील गुप्ता जी। सुशील गुप्ता जी, आपका स्वागत है जी। आपने ऐसी कौन सी रिपोर्ट पेश करी जो देश को नीचा दिखाती? देखिए, किसी के दिखने से देश नीचा नहीं होता। पार्लियामेंट मुद्दों को डिस्कस करने के लिए होती है। मैंने सदन में राइटिंग में सवाल मंत्री जी से पूछा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके लोगों की राय को प्रभावित किया जा रहा है, अनेकों देशों के साथ में, इससे हिंदुस्तान का भी लोकतंत्र खतरे के अंदर है। ये रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पब्लिश रिपोर्ट है, जिसका विषय पे मैंने मंत्री जी ने पूछा और मंत्री जी ने लिखित में मुझे जवाब दिया कि हाँ, ऐसे रिपोर्ट उसकी है, परंतु जितने भी सोशल मीडिया के साधन है हम उन पे एक्शन लेंगे और कोई गलत ना हो। मैंने कहा था कि मंत्री जी, इस पे क्या कानून बनाया भारत सरकार ने कि 2019 के आम चुनाव के अंदर भी भारत के चुनाव आयोग ने इस पे कमेटी बनाई थी कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और उसके अंदर भी उस कमेटी ने कार्य किया था जिसको मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया और राइटिंग में मुझे जवाब दिया, दोनों बातों को एक्सेप्ट किया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि स्वीडन की वीडेम यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है कि मोदी सरकार के राज में मीडिया और विपक्षी पार्टियों पर जो अंकुश है उससे भी भारत का लोकतंत्र खतरे में, और पायदान हम 92वें नंबर पे पहुंच गए लोकतंत्र की रैंकिंग के अंदर, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। इस पे सभापति महोदय ने ऑब्जेक्शन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैंने उनका विरोध करना वहाँ पे ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि हम फॉरेन की संस्थाओं के यहाँ पे डिस्कस ना करें, जब फॉरेन की संस्था का ही डिस्कशन चल रहा है और उसमें मंत्री जी ने लिखित में जवाब दिया है और सरकार ने एक्सेप्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑक्सफोर्ड हिंदुस्तान की और वीडन विदेश की, दोनों ही विदेश की हैं, तो मुझे उसके अंदर कोई बात गलत नज़र नहीं आ रही। अगर सरकार ये मानती है कि लोकतंत्र में कोई खतरा नहीं और इनकी रिपोर्ट गलत है, तो उन रिपोर्टों को कंडेम करना चाहिए, और सरकार ये कहती है कि हाँ उनकी रिपोर्ट है, तो हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो इस तरीके की रिपोर्ट को दिल्ली की संसद में उठाना क्या जायज था कहीं ना कहीं? संसद होती है चर्चा के लिए। अगर दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हमारे देश के विषय में कोई रिपोर्ट लाती हैं और उस रिपोर्ट को हम डिस्कस कहाँ पे करें, कौन से प्लेटफॉर्म पे करें? संसद से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर अगर मेरे देश को गलत से बदनाम किया जा रहा है तो संसद के माध्यम से सरकार एक्शन ले, अगर वो रिपोर्ट सही है तो सरकार आत्मनिरीक्षण करे। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में मीडिया और समाज का को दबाया जा रहा है? ये सारे मीडिया के मेरे मित्र ये बोलते हैं कि भाई साहब, हम तो रिपोर्ट भेजते हैं, मालिक के ऊपर सरकार का दबाव है, छप नहीं सकती, बोल नहीं सकते, ये तो, और आप अपना आत्मनिरीक्षण करके देख लो कितनी आज़ादी बची है, उसे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये थे हमारे साथ सुशील गुप्ता, जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आज़ादी पर किस तरीके से मोदी सरकार अंकुश लगा रही है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया गर्मजोशी से, लेकिन बताया कि सभापति साहब ने तुरंत ही उस बात को कंडम करते हुए बैठा दिया गया। और दिल्ली से टीपू सुल्तान। रुकर के खबरों की तरफ, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आज बजट पेश करने से पहले विपक्षी पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच में ही निगम में सदन के नेता ने बजट भाषण शुरू किया, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। बजट भाषण के दौरान विपक्ष नेता सदन की ओर बढ़ने लगा तो मार्शलों को बुलाया गया, लेकिन आप पार्टी के पार्षद हंगामा करते रहे। विपक्ष का आरोप था कि महापौर पर लगे आरोप काफी गंभीर है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बजट को लेकर कहा कि ये बजट दिल्ली की जनता की आंखों में फूल झोंकने जैसा बजट है। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज थी हमारे इस चुनौतीपूर्ण हालात के अंदर, सबसे बड़ा जो ध्येय था हमारा कि हम किस प्रकार से
अपनी आय को बढ़ा सके, और इस हालात के अंदर बजट को पेश करना एक बहुत बड़ा चुनौती थी हमारे लिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश ये की कि हम आय के स्रोतों को बढ़ाएं, और विशेष रूप से जनता को, जो पब्लिक आज कोरोना की महामारी झेल रही थी, किसी प्रकार का कोई कर ना बढ़ाया जाए और हम उसी के अंदर उनको सहूलियतें भी दें और उससे हमारा निगम की आय भी बढ़े। महत्वपूर्ण बजट भाषण था, हम भी मानते हैं। हमने पिछले 5-6-15-1.5 महीने से जब भी बजट सेशन चल रहा है, हमने पूरा इसमें हिस्सा लिया है, हमने अपने सुझाव भी दिए हैं। वो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे किसी भी सुझाव को पक्ष ने नहीं माना। लेकिन आप एक बात को समझिए, आज जो हमारा विरोध था किस बात को लेकर, मेयर एक बड़ा संवैधानिक पद है, बड़ा पवित्र पद है। मेयर की कुर्सी पर जो आदमी बैठते हैं, बड़ा पवित्र कुर्सी है। मेयर को दिल्ली का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो अगर उस मेयर पर इस तरह के इल्जाम लगते हैं कि सरकारी जमीन पर, तो वही राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद है। साउथ दिल्ली के देवली इलाके में बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप से लाखों की ज्वेलरी लूट ली और मौके से फरार हो गए। घटना करीब 2 बजे की है। वारदात के समय दुकान के मालिक कैलाश अपनी दुकान पर अकेले थे। उसी दौरान 3 लोग दुकान में घुसे और कैलाश पर पिस्टल तान दी और दुकान से ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। लूट की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ज्वेलरी की दुकान है, सिंगर ज्वेलर्स की। अच्छा, क्या एड्रेस है उसका? C5 कृष्णा पार्क। अच्छा अच्छा, तो कितने बजे घटना है? 2-3 बजे के बीच की घटना है। अच्छा, और 2-3 लड़के आए थे। हाँ। और आके उनके ऊपर रिवॉल्वर तान दी, तो उनकी दुकान में लूटपाट करी, उसके बाद रिवॉल्वर का बट उनके सर पर मार के और लूटपाट करके वो भाग गए। अच्छा, पहले भी कोई ऐसी वारदात हुई आस पड़ोस में? नहीं, पहले यहाँ ऐसी कोई वारदात हुई, पैसे ही लूटा दुपट्टा मारी तो होती रहती। ये था कि मैं अंदर ड्यूटी पे 2 बजे आया था, 2 बजे के अंदर बैठा था मैं, तो बाहर जब देखा तो मतलब हल्ला मच रहा था कि चोरी हो गई, मतलब लूट के ले गई। तो क्या लूट के ले गए? तो ये पता नहीं थी क्या, किस चीज़ की दुकान थी? ज्वेलर्स की थी। किस नाम से? नाम का तो पता नहीं, सिंगल सिंगल। अच्छा अच्छा, कौन सी जगह है ये? कृष्णा पार्क C6। कितने बजे घटना थी ये? सर 3 के आसपास के हुए। क्या नाम है आपका? राजवीर। क्या करते हैं आप यहाँ पे? किस चीज की? गार्ड की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।